शूट करने का प्लान बनाया है। इस वक्त हम गाजीपुर के बॉर्डर पर हैं और आपको यहाँ की स्थिति सुबह की दिखा देते हैं। यहाँ से बैरिकेडिंग जो लगी हुई है उससे गाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का वक्त है और लोगों को बाकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिक्कत होने वाली है ट्रैफिक की, और सुबह से ही ये जाम लग चुका है। इस वक्त किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। संजय से कहूंगी एक बार इस तरफ आए और आपको ये फ्लाईओवर से नीचे के हालात दिखाएं। एक तरफ पूरा सीमेंट का जो बैरिकेड है, बीच में सीमेंट का मसाला डाल दिया है, उसके ऊपर कटीली तारें लगाई हैं, उसके आगे एक बजरा वैन है, उसके आगे दोबारा से बैरिकेडिंग के चार लेयर लगाए हुए हैं। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। और आगे तक आप देखिए, ये पूरा जो रोड है ये बंद कर दिया गया है और ज्यादा बैरिकेडिंग के लेयर्स लगाने की बात की जा रही है। एक ही जो इलाका है यहाँ से आप फ्लाईओवर से आगे निकल सकते हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आपको हम दिखाएं तो बैरिकेडिंग जबरदस्त लगी हुई है, गाड़ियों का यहाँ से आवाजाही अलाउड है। आगे से अगर आपको यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं और आगे तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पीले बैरिकेड दिखाई दे जाएंगे। गौरतलब है कि किसानों ने कहा था कि सरकार से मीटिंग होगी, उसके बाद ही वो ये कूच करेंगे। सरकार से होने वाली मीटिंग में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है और इसीलिए अब किसान सरकार का जो मुआवजा है, जिस तरीके से MSP पे बात नहीं हुई है, उसको लेकर कूच करने वाले हैं दिल्ली की ओर। गाजीपुर बॉर्डर में फिलहाल उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड के जो किसान गुट हैं उन्होंने प्लान अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की या उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी तरीके की जो है नहीं छोड़ना चाहती है कसर कि किसानों को रोका जाए, और इसीलिए इतनी जबरदस्त बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है। संजय कुमार के साथ गाजीपुर से मिलन शर्मा, आज तक।